हाय फ्रेंड्स, दिस इज जय। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैकग्राउंड वीडियो के बारे में। जैसे कि आपने कई ऐप्स में देखा होगा कि कई ऐप्स में आगे यूआई होता है, पीछे बैकग्राउंड में एक वीडियो चल रहा होता है। जैसे कि ज्यादातर ये इंट्रो स्क्रीन पे या लॉगिन स्क्रीन पे आपने देखा होगा कि बैकग्राउंड में एक वीडियो चल रहा होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सबसे पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। और इस प्रोजेक्ट का नाम रख लेते हैं बीजी वीडियो इंटरफेस स्टोरी बोर्ड लाइफ साइकिल यूआई किट एप डेलीगेट और लैंग्वेज स्विफ्ट। नेक्स्ट, और इसको अभी डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। क्रिएट, ठीक है, अपना प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब इसको एक बार रन कर लेते हैं। ठीक है, अपनी ऐप से रन हो चुकी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सीधा व्यू कंट्रोलर में चलते हैं और सबसे पहले काम करते हैं, जो अपनी जो वीडियो है उसको सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट के अंदर डालते हैं। तो मैंने एक वीडियो पहले से डाउनलोड कर रखी है जो डेस्कटॉप पे पड़ी है, तो इसको अपन उठाते हैं और उस सीधा बिजी वीडियो के अंदर डाल देते हैं। और मेक श्योर द एड टारगेट एड टू टारगेट इज सेलेक्टेड एंड कॉपी आइटम इफ नीडेड इज चेक्ड एंड फिनिश। ठीक है, अपनी वीडियो आ गई है। एक बार इसको प्ले करके देख लेते हैं वीडियो को। ठीक है, तो अब सीधे अपन चलते हैं व्यू कंट्रोलर के अंदर। यहाँ पे अपना सबसे पहले काम क्या होगा, अपन इसकी एवी फाउंडेशन को इंपोर्ट करेंगे जो कि ऑडियो वीडियो को सपोर्ट करता है। तो अब अपन इसमें यहाँ पे अपन एक उसका रेफरेंस बना लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं एवी प्लेयर का। प्लेयर, ठीक है, और यहाँ नीचे एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन एड बैकग्राउंड वीडियो। ठीक है, अपना इतना काम हो गया। तो अपन सबसे पहले काम करते हैं, जो अपन ने वीडियो उसने पैकेज के अंदर डाली है, मतलब अपने फोल्डर के अंदर डाली है, इसको अपन यहाँ पे इसका यूआरएल गेट करते हैं। तो उसके लिए अपन क्या करना पड़ेगा, इफ लेट URL is equal to bundle.main.url for the source with extension। ठीक है, for the source के अंदर यहाँ पे अपन इस वीडियो का नाम डालेंगे, जैसे मेरी वीडियो का नाम है VID वीडियो और इसका एक्सटेंशन है MP4 टाइप की। ठीक है, यहाँ पे अपन ने इसको कर लिया। अब अपन इसके अंदर आ जाते हैं और else में अपन इसके पास कर देंगे print video not found। ठीक है, अपना यहाँ तक का काम हो गया। अब सबसे पहले अपन इसके एवी प्लेयर को इनिशियलाइज करते हैं। यहाँ पे एवी प्लेयर इज इक्वल टू एवी प्लेयर को इनिशियलाइज करेंगे यूआरएल से। यूआरएल अपन जो अभी गेट किया उसको पास कर देंगे डॉट यूआरएल। अब अपन इसका टाइम एवी प्लेयर में अपन इसका आपका टाइम सेट करते हैं डॉट सीक टू टाइम, मतलब जहाँ से वीडियो प्ले होगी अपन इसमें पास कर देते हैं अभी जीरो से, मतलब स्टार्टिंग से प्ले हो रहे। ठीक है, ए वी प्लेयर। अब इसके अपन एक्शन एट आइटम एंड, मतलब आइटम का जब अपना जो अपनी वीडियो जो खत्म हो जाए उसके एंड में से क्या करना है, तो अपन लिखते हैं यहाँ पर नन। हमें कुछ अलग सा टास्क परफॉर्म नहीं करना, अपना यहाँ तक का काम हो गया। तो अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एक लेयर बनाते हैं जो कि वीडियो जिसके अंदर अपन वीडियो डालेंगे और जो वीडियो वहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देगी, मतलब जो लेयर अपन इस व्यू के अंदर इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, लेट प्लेयर लेयर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, प्लेयर लेयर का ए वी प्लेयर लेयर का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो कि इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, नाम क्या पास करेंगे अपने प्लेयर को ए वी प्लेयर। ठीक है, अपना प्लेयर लेयर बन चुकी है। अब प्लेयर लेयर को अपन सेट करेंगे, प्लेयर लेयर डॉट वीडियो ग्रेविटी सेट करेंगे अपन इसका, इन पर रिसाइज एस्पेक्ट फिल कर देते हैं अपन इसको। और प्लेयर लेयर डॉट फ्रेम सेट कर देते हैं अपन इसका, व्यू डॉट बाउंस, मतलब पूरे व्यू पे हमें दिखानी है। ठीक है, अपना सब सेट हो गया। तो अपने बाद सबसे पहले अपन को क्या काम करना है, जो अपनी ये प्लेयर लेयर है इसको अपन को व्यू के अंदर डालनी है। उसके लिए अपन क्या करेंगे, व्यू सेल्फ डॉट व्यू डॉट लेयर डॉट इंसर्ट सब लेयर, लेयर कौन सी हमारी, प्लेयर लेयर
पोजीशन पे क्या डालना है, इसको हमें जीरो पोजीशन पे डालना है। ठीक है, अपने व्यू डाल दिया। अब जो अपनी एवी प्लेयर है हम उसको वीडियो को प्ले कर देंगे। ठीक है, एक बार इसको रन करके देख लेते हैं कि हमारी वीडियो प्ले हो रही है या नहीं। कुछ नहीं, सॉरी अपने भूल गए, इसको मेथड को कॉल करना अपन भूल गए, तो इस मेथड को अपन कॉल कर देते हैं व्यू डॉट लोड के अंदर। ठीक है, एक बार दोबारा रन करके देख लेते हैं आपको। अपनी वीडियो प्ले हो रही है। ठीक है, अपनी वीडियो डल चुकी है स्क्रीन पे, लेकिन ये अभी स्टॉप हो जाती है, मतलब इसके आइटम भी हमने अनन किया था। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, जैसे ही खत्म हो उसको दोबारा से रिप्ले करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, इसका एक नोटिफिकेशन ऑब्जर्वर होता है जो पोस्ट करता है, तो अपन को ऑब्जर्व करेंगे नोटिफिकेशन सेंटर डॉट डिफॉल्ट डॉट एड ऑब्जर्वर सेल्फ फंक्शन ऑब्जेक्टिव सी टाइप का फंक्शन आते हैं, फंक्शन वीडियो फिनिश नाम रख देते हैं अभी इसका फिनिश्ड। ठीक है, ये क्या करेगा, जैसे ही ये वीडियो फिनिश होगी तो उसका अपन वापस से उसका जो एवी प्लेयर का जो सीक टाइम है उसको रीसेट कर देंगे, एवी प्लेयर डॉट सीक टू टाइम इसका सेट कर देंगे वापस से डॉट जीरो। यहाँ पर अपन पास करते हैं सिलेक्टर और मेथड का नाम है सेल्फ डॉट वीडियो फिनिश्ड। ठीक है, नोटिफिकेशन डॉट नाम में एन करेंगे एवी आइटम डिट प्ले टू एंड टाइम, ए वी प्लेयर आइटम डिट प्ले टू एंड टाइम। ठीक है, और ऑब्जेक्ट में हम इसको पास कर देंगे नेल। एक बार फिर रन करके देखते हैं कि अपना सब वापस रिप्ले होती है नहीं होती। ठीक है, अपनी वीडियो वापस रिप्ले हो रही है। ठीक है, ये दैट्स फ्रॉम माय साइड। तो इस वीडियो को अब यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना।